अंडाल में बच्चे की हत्या में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर पश्चिम बंगाल बावरी समाज कल्याण समिति द्वारा अंडाल थाने का घेराव किया गया। 7 वर्षीय बच्चे सौरभ बावरी की बेरहमी से हत्या के 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल बावरी समाज कल्याण समिति ने अंडाल थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। अंडाल थाना क्षेत्र के काजोड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत माधवपुर कोलियरी इलाके में 7 वर्षीय बच्चे सौरभ बावरी की बेरहमी से हत्या के 1 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सौरभ बावरी के हत्यारों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग पर विभिन्न संगठनों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। गत बुधवार को पश्चिम बंगाल सामाजिक न्याय मंच की पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी की तरफ से अंडाल थाना का घेराव किया गया था। अब गुरुवार को पश्चिम बंगाल बावरी समाज कल्याण समिति के बैनर तले अंडाल थाना का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल बावरी समाज कल्याण समिति के सदस्यों ने पहले मृत बच्चे के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने सौरभ बावरी के परिजनों को सांत्वना दी। इसके बाद जुलूस निकाला गया। पश्चिम बंगाल बावरी समाज कल्याण समिति के सदस्यों ने बच्चे की हत्या में शामिल अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल बावरी समाज कल्याण समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने अंडाल थाने के प्रभारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि गत 6 जुलाई से रहस्यमय ढंग से लापता सौरभ बावरी का क्षत विक्षत शव उसके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर जंगल से बरामद किया गया था। उस मासूम को काफी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल बावरी समाज कल्याण समिति के सदस्यों को आश्वस्त किया कि पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और जल्द ही हत्या के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है। पश्चिम बंगाल बावरी समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष राजवंशी बावरी ने कहा कि 7 वर्षीय बच्चे सौरभ बावरी की हत्या की घटना ने पूरे राज्य को कलंकित किया है और इस जघन्य हत्याकांड को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इस घटना के 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक बच्चे की हत्या में शामिल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस घटना से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी अवगत कराया गया है और देशव्यापी आंदोलन की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देनी चाहिए। समिति पक्ष থেকে আজকে ওসির কাছে আমরা ডেপুটেশন নিয়ে এসেছিলাম। প্রথমে আমরা পীড়িতর বাড়িতে গেছিলাম, মা বাবার সঙ্গে দেখা করেছি এবং 6 তারিখের ঘটনা সারা পশ্চিমবঙ্গকে একটা কলঙ্কিত করেছে যে 7 বছরের শিশু সৌরভ বাড়িকে যেভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে এবং আজকে 14 তারিখ প্রায় 7-8 দিন হয়ে গেল, এখনও কিন্তু যারা দোষী তারা কিন্তু গ্রেপ্তার হয়নি। সে দাবি নিয়ে আজকে আমি ওসি সাহেবের কাছে এসেছিলাম এবং খুব একটা আতঙ্কিত আমরা বাউরি সমাজ পুরো আতঙ্কিত আছে, অন্য সমাজরা আতঙ্কিত রয়েছে এবং সারা ভারতবর্ষব্যাপী একটা আন্দোলন কিন্তু সৃষ্টি হতে চলেছে। যদি আমি ওসি সাহেবকে বলে গেলাম, যদি আপনি খুব জলদি এটাকে যদি সুরাহা না করেন, দোষীদের যদি গ্রেপ্তার না করেন, কিন্তু সারা ভারতবর্ষে এটা একটা ন্যাশনাল ইস্যু হয়ে যাবে এবং বিশেষ করে ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউল কাস্ট নিয়ে একটা দলিত সমাজের ছেলে দেখেনও আমরা আবেদন করেছি। আমরা চাইছি যে আমাদের এফিসিয়েন্সি, আমাদের প্রশাসনের প্রতি এফিসিয়েন্সি, আমাদের আস্থা আছে যে তারা সঠিক তদন্ত করবেন, যে রায়স IPS রয়েছে তাদের কাছে আস্থা আছে সঠিক তদন্ত করবেন এবং খুব শীঘ্রই যারা এই নৃশংস হত্যা করেছেন, এটা ভাবা যায় না একটা 7 বছরের ছেলে কারো শত্রুতা হতে পারে না, তাকে হাত কেটে পা কেটে কীভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, এই হত্যার যারা এবং ঘৃণা যে চক্রান্ত যারা করেছে এটা তাদের দোষী আমরা শাস্তি চাইছি এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। তিনি আমাদেরকে আশ্বাস দিলেন যে খুব শীঘ্রই এটা খোলাসা হয়ে যাবে, উন্মোচন হবে এবং দোষীকে তারা গ্রেপ্তার করবে, আমরা আশ্বাস পেলাম। अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पश्चिम बर्धमान जिले में पहली बार आपके शहर रानीगंज में कल्याणी ऑटोमोबाइल्स लेकर आए हैं शानदार लुक और फीचर्स के साथ अच्छी बैटरी रेंज वाले कोमा के इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर, जहां आपको मिलेंगी जापानी टेक्नोलॉजी युक्त इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक क्रूशियर बाइक कोमा की रेंजर, इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कोमा की TN95। यहां आपको मिलेगी बैंक लोन की सुविधा। हमारा मोटो है राइट कोमा की, गो इलेक्ट्रिक गो ग्रीन। कल्याणी ऑटोमोबाइल्स, NH2 पंजाबी मोड, रानीगंज। कॉन्टेक्ट नंबर 7044743675।